तुझे कबूतरों को दाना डाला दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सराफ फार्मिंग लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग का अपने स्टार्ट करते हैं। तो इधर ले जाओ इस मुखी वाली, उसने दोबारा अंडे उतार लिए हैं और पहले वाले बच्चे देखो जो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इस ब्लैक वाले बच्चे के दोस्तों मुँह पर जो मच्छर काटने की वजह से फिंसियाँ सी हो गई, इस वजह से आगे भी लक्कों ने जो बच्चे निकाल रखे। जी देखो दोस्तों, जी अंडे वो पड़े हुए हैं जी, इस वाले कबूतर के अंडे है दोस्तों। तो आगे आपको दिखाते हैं, जैसे राजा भी अपने अंडों पर बैठा है। ये देखो दोस्तों, ये बच्चे निकले हुए बहुत ही जबरदस्त कलर पैटर्न में है दोस्तों। एक तो बिल्कुल ये वाला बच्चा तो ब्लैक कलर में, इसका सिर ऊपर से वाइट होगा और ये बच्चा इसकी पूछ ब्लैक होगी, बाकी वाइट होगा, थोड़ी बहुत इसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट होंगे। और ये वाले के भी अंडे दोस्तों, दोनों अंडे जल्दी ही इसमें से बच्चे निकलेंगे। तो दोस्तों, ये रैबिट के बच्चे हैं जो बाहर निकालने हैं। कितने खूबसूरत नन्हे नन्हे बच्चे दोस्तों नजर आ रहे हैं, और फीमेल। तो दोस्तों, ये रैबिट देखो आप, कितने ही सुंदर सुंदर रैबिट है, रैबिट के बच्चे अभी भी ये दोस्तों। तो ये बड़ी वाली फीमेल है नर, तो हमारा दोस्तों वो गुम हो गया था और ये उसकी फीमेल है, इसने दोबारा बच्चे नहीं दिए। ये लास्ट बच्चे, चार बच्चे इसके बचे हुए हैं और ये बड़ी वाली फीमेल दो पहले वाली लौट की है। ये भी हमें फीमेल ही नजर आ रही है दोस्तों। तो ये देखो आप कितने जबरदस्त रहे, इस साइड बजरी पैरेट और कॉकटल, ये भी अपना बाजरी है जो खाने में लगे हुए हैं। और ऊपर भी देखो जी येलो कलर में बहुत ही मस्त मस्त दोस्तों। बजरी पैरेट का शौक भी आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉग के माध्यम से उतरेगा दोस्तों। इनके बच्चे और लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉग के माध्यम से उतरेगा दोस्तों। इनके बच्चे और इनका ब्रीडिंग का, और इनके लिए एक अच्छा सा यहाँ पर केज बनाएंगे दोस्तों, उसका भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे किस हिसाब से वो केज बनेगा और ब्रीडिंग ये कैसे करेंगे उसके बारे में। अभी नए ही लेकर आए हैं ये बजरी वाले, तो अपने बजरी और कॉकटेल दोनों। तो दोस्तों, मौसम बिल्कुल एकदम आसमान में बादल छाए हुए हैं उस ठंड की वजह से। ये देखो फीमेल जो कितनी जबरदस्त एक दूसरे के साथ दोस्तों पूछे खड़ी कर, एक दूसरे के साथ दोस्तों घूम घूम कर जी पेट कुश्ती कर रही है दोस्तों जी। ये देखो पहलवानों की तरह एक दूसरे के पेट मार रहे हैं, जो सुमो पहलवान होते हैं ना उस तरह जी एक दूसरे के पेट मार मार कुश्ती कर रहे हैं दोस्तों। और इधर नर भी देखो आप जे कैसे पूरे रुबाब के साथ में खड़ा हुआ, दूर कर दिया था फिर से वापस अब एक दूसरे के पास में आकर वो ही अपना रुबाब दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ के हम लीडर हैं। मौसम ठंडा होने की वजह दोस्तों इनको ये सूझ रहनी, तो इनको गर्मी में हाफने की वजह से वहाँ पर पानी के पास ही बैठी रहती थी सारा दिन। तो ऐसी हरकतें ये कभी नहीं किया करती थी, सारा दिन पानी के पास, जहाँ वो बट्ठल के अंदर पानी में बैठी रहती थी जहाँ पर ब्लैक और ओक की मुर्गियाँ बैठी हुई है। तो इस साइड देखो दोस्तों, ये भी अपने जल्दी ही तैयार हो जाएंगे, ये भी सारी मुर्गे मुर्गियाँ पूरे डेढ़ डेढ़ दो दो केजी के हो रहे हैं। तो जबरदस्त कलेक्शन तैयार है, आपको बड़े मुर्गे भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखो 3.5-3 केजी का एक मुर्गा, आप लोगों ने मुर्गे तो दोस्तों बहुत देखे होंगे लेकिन 3.5 केजी का ये मुर्गा हो रहा है, ये 5 किलो तक चला जाता है। तो फार्मिंग के लिए ये सबसे बेस्ट ब्रीड है जी, WFG ब्रीडें तो काफी आ रहा है यार, कड़कनाथ ब्लैक ऑस्ट्रेलोप, लेकिन जो WFG ब्रीड है इतना वजन कोई भी नहीं ले पाता दोस्तों। और आप लोगों को गुड न्यूज देनी थी दोस्तों, दो दिन हो गया अपने ब्लॉग नहीं वैसे बना सके, दो दिन हो गया जो अंडा दोस्तों स्टार्ट कर गया। 3 महीने 20 दिन पर इन्होंने फर्स्ट अंडा जो दिया था मुर्गियों ने, और सेकंड अंडा 3 महीने 21 दिन पर दूसरा अंडा। तो इन्होंने 3 महीने 20 दिन पर अंडों की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया दोस्तों। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं ये कितने दिन में अंडा देती है, तो अपने पास इसने इसी ब्रीड ने 8 महीने पर भी अंडा दिया है और 6 पर भी दिया और 4 महीने 3 दिन पर भी दिया। इस साल का ये बेस्ट रिकॉर्ड है हमारे फार्म का कि 3 महीने 20 दिन पर फर्स्ट अंडा है जो अपने फार्म पर आ गया। देखो इसके काम, देखो ये वाली टर्की वाली फीमेल है जो तार हम लोगों ने बल्लभ के लिए लगा रखी है उस पर ऊपर जाकर बैठी हुई है, तार को तोड़ने कोशिश करी ना। तो दोस्तों ये देखो तार को कितना नीचे ले आई, ऊपर जो तार थी ऊपर जाकर ये बैठ गई थी। तो इधर ये टर्की और कुछ बचे हुए मुर्गे हैं दोस्तों, ये टर्की के ये छोटे चूजे हैं दोस्तों, इस वाली फीमेल के हैं। ये देखो जो, ये देखो दोस्तों ये कैसे लटका पड़ा है ऊपर जो तारों के अंदर दोस्तों, ये फंस गया, ऐसे बाहर निकालते हैं। तो ये बच्चे दोस्तों इसी के ही हैं, ये फीमेल जहाँ पर आकर अपने बच्चों के पास बैठी हुई थी और कुछ बच्चे इसके उधर घूम रहे हैं फीड के लिए। फीड का टाइम हो गया, हम सभी को फीड की डाइट देंगे दोस्तों। दोस्तों जो डक के ज्यादातर जो नर है जहाँ पर बैठी हुई है मादियाँ, तो इधर ये देखो अंडों पर बैठी हुई हैं,
ये अंडे से उठ कर गई है, तीन वहां पर बैठी है दोस्तों, पहले दो थी अब तीन हो गई है और एक इधर बैठी हुई है अंडों पर। तो इस साइड है जो ज्यादातर नर ही बचे हुए हैं, मादी ना जो वो सारी की सारी अंडों पर बैठेगी। और दोस्तों यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो बनाने का मनोबल दोस्तों हमें मिल सके।